रिलीज से ठीक पहले फिल्म पद्मावती को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। भंसाली की मोस्ट अवेटेड इस फिल्म को फिर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार करनी सेना नहीं, बीजेपी ने पद्मावती की रिलीज पर ग्रहण लगाने की कोशिश की है। बीजेपी ने इस फिल्म पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग, केंद्र और सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि ये फिल्म क्षत्रिय समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। उन्होंने फिल्म को रिलीज से पहले पार्टी के राजपूत प्रतिनिधियों को दिखाए जाने की मांग की है। उन्होंने दलील दी कि ऐसा करने से रिलीज के वक्त फिल्म के लिए सहूलियत रहेगी और किसी भी तरह की तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचा जा सकेगा। इस पर बीजेपी प्रवक्ता और राजपूत नेता IK जडेजा का बयान सामने आया है। उन्होंने फिल्म को लेकर डायरेक्टर को दो विकल्प देते हुए कहा कि या तो फिल्म को बैन किया जाए या गुजरात चुनाव के बाद रिलीज़ किया जाए। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।